अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की एक अहम खबर से आपको आगाह करते चलें कि एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने एवनफील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ को 10 साल जबकि मरियम नवाज को 7 साल कैद की सजा सुना दी है। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने एवनफील्ड रेफरेंस का फैसला सुना दिया। नवाज शरीफ और मरियम नवाज लंदन जबकि कैप्टन रिटायर्ड सफदर मानसेरा में मौजूदगी की वजह से पेश नहीं हुए। फैसला सुनाए जाने के दौरान मीडिया नुमाइंदों और सहाफियों को कमरा अदालत में आने की भी इजाजत नहीं थी। एवनफील्ड रेफरेंस का तहरीरी फैसला 100 सफहात पर मुश्तमिल है। अदालत ने अपने फैसले में नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर को मुजरिम करार दिया है। अदालत ने नवाज शरीफ को 10 साल कैद बमुशक्कत और 80 लाख बरतानवी पाउंड जुर्माना, मरियम नवाज को 7 साल कैद और 20 लाख पाउंड जुर्माना, जबकि कैप्टन रिटायर्ड सफदर को 1 साल कैद की सजा सुनाई है। अदालत की जानिब से फैसला सुनाए जाने से पहले अदालत ने से मुअख्खर करने के लिए नवाज शरीफ की दरख्वास्त पर समाअत की। फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद अदालत ने दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। इसके बाद एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने एवनफील्ड रेफरेंस में फैसला सुनाया, जिसके मुताबिक नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर को मुजरिम करार दिया गया। अदालत ने नवाज शरीफ को 10 साल कैद बामुशक्कत और 80 लाख बरतानवी पाउंड जुर्माना, मरियम नवाज को 7 साल कैद और 20 लाख पाउंड जुर्माना, जबकि कैप्टन रिटायर्ड सफदर को 1 साल कैद की सजा सुनाई।